वेलकम टू माय चैनल सीतु पटेल टिप्स फॉर वुमेन। और फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे सिर के दर्द की। सिर के दर्द में सरसों का तेल कितना ज़्यादा फायदेमंद है, इसके बारे में हम बात करेंगे। और कैसे आपको इसका प्रयोग करना है और क्यों सिर दर्द, किस तरह के सिर दर्द में ये फ़ायदेमंद है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। फ्रेंड्स, सिर का दर्द कई कारणों से होता है, जैसे कि सिर में जो मस्तिष्क की सिराएं हैं वो, उसमें रक्त का संचार जो होता है ठीक तरीके से नहीं होता, उसकी वजह से भी सिर में दर्द रहता है। इसके साथ फ्रेंड्स, रक्त भार की वृद्धि होने की वजह से सिर में दर्द होना, रक्त में ऑक्सीजन की कमी की वजह से भी सिर दर्द होता है। साथ ही यदि आपके आँखों की कमजोरी है, आँखों में किसी प्रकार के रोग हैं, तो भी आपके सिर में दर्द होना संभव है। इसके साथ ही फ्रेंड्स, आपके ब्लड में जो विषाक्त पदार्थ होते हैं, यानी कि रक्त का जो खराबी है, उसकी वजह से मूत्र रोग, कब्ज, अपच और इस तरीके के और भी पेट संबंधित यदि कोई रोग है, तो भी आपके सिर में दर्द होता है। फ्रेंड्स, इसके साथ ही मौसम की वजह से भी सिर में दर्द होता है, जैसे कि गर्मी की वजह से आपके सिर में दर्द होता है। यदि आप गर्मी में धूप में बाहर कहीं जाते हैं, घूमते हैं, तो उसकी वजह से आपके सिर में दर्द होना संभव है। इसके साथ ही फ्रेंड्स, सर्दी जुकाम होने पर, बुखार आने पर भी आपके सिर में दर्द होता है। सर्दी में यदि आप बाहर जाते हैं ठंड में, तो ठंड की वजह से भी आपके सिर में दर्द हो जाता है। तो फ्रेंड्स, कई कारणों से सिर में दर्द होता है और उन सभी कारणों की के लिए अलग अलग तरीके से उपचार किए जाते हैं। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कि सरसों के तेल का प्रयोग आपको सिर के दर्द में किस प्रकार से करना है और किस तरीके के सिर दर्द में इसका प्रयोग किया जाता है। फ्रेंड्स, ठंड की वजह से यदि आपके सिर में दर्द हो रहा हो, यानी कि ठंडक की वजह से या सर्दी जुकाम की वजह से अगर आपके सिर में दर्द हो रहा है, या ठंड में बाहर घूमने की वजह से सिर में दर्द हो रहा है, तो आपको सरसों के तेल का प्रयोग करना है। फ्रेंड्स, ठंडे पानी से नहाने, स्नान करने के बाद यदि, और ठंडी हवा में घूमने के बाद यदि इस तरीके की वजह से अगर आपके सिर में दर्द होता है, तो आपको नाक, कान और आपकी जो नाभि है, वहाँ पे आपको सरसों का तेल लगा लेना है। इसके साथ ही फ्रेंड्स, आपको अपने पैर के जो तलवे होते हैं, वहाँ पे आप सरसों के तेल की मालिश कीजिए। इससे आपके जो सिर का दर्द है, उसमें बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। फ्रेंड्स, इसके साथ आप सरसों के तेल की पूरे शरीर में मालिश करके और थोड़ा से गुनगुने पानी से अगर आप नहा लेते हैं, तो भी आपके सिर में जो दर्द है वो चला जाएगा और आपको इसमें बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। तो फ्रेंड्स, ये सरसों के तेल का बहुत ही अचूक नुस्खा है जो आप इसका प्रयोग कर सकते हैं, और ये ठंड की वजह से जो सिर में दर्द होता है, उसमें बहुत ज़्यादा लाभकारी है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी ये जानकारी और ये वीडियो पसंद आया हो, तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें। साथ ही अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को ज़रूर ऑन कर लें, ताकि जब भी हम इस तरह की वीडियो आपके लिए लेकर आएँ, तो वो आप सबसे पहले देख सकें। और फ्रेंड्स, ये सब बिल्कुल फ्री है।